दौरे पर रहने वाले 16 अक्टूबर को राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे शाह। स्टेट स्कूल ग्राउंड में आम सभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह का नामांकन जमा कराएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़। राजनांदगांव पहुंचेंगे इस बार और पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह का नामांकन फॉर्म जमा कराएंगे। इसके साथ ही स्टेट स्कूल ग्राउंड में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। 16 अक्टूबर को स्टेट स्कूल ग्राउंड राजनांदगांव में आम सभा को केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जान लीजिए। 11:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। 11:50 पर हेलीकॉप्टर से रायपुर से राजनांदगांव के लिए अमित शाह रवाना होंगे। दोपहर 12:25 पर हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव पहुंचेंगे अमित शाह और राजनांदगांव में 12:25 से 1:30 बजे तक रहेंगे। इस दौरान स्टेट स्कूल ग्राउंड में आम सभा को शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह के साथ नामांकन जमा करने जाएंगे। 1:30 बजे राजनांदगांव से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रमन के नामांकन में शाह के आने के मायने क्या है, देखिए। शक्ति प्रदर्शन कर भीड़ जुटाने की कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी। अमित शाह छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस बनाए हुए हैं। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद राजनांदगांव में पहली सभा होने जा रही है। पिछले चुनाव में जिले में सिर्फ रमन सिंह ने ही जीत दर्ज की थी। फिलहाल राजनांदगांव जिले में बीजेपी कमजोर स्थिति पर है और फिर से रमन सिंह को बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश 2023 के चुनाव में की जा रही है। और अमित शाह के राजनांदगांव दौरे को लेकर साथ ही रमन सिंह के नामांकन फॉर्म जमा कराने को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। देखिए, वैसे बोलिए तो अमित शाह जी कई बार उनका दौरा कैंसिल हुआ है। यहाँ मतलब जगदलपुर का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, रायपुर का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, कितने बार कैंसिल हुआ। आ जाए तो मान ली कहाँ अमित शाह जी आए, रविशंकर जी आ जाए। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, 16 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं अमित शाह राजनांदगांव, बड़ी सभा को संबोधित तो करेंगे ही, इसके साथ ही रमन सिंह का नामांकन फॉर्म भी जमा कराएंगे। क्या कुछ मायने इस दौरे के निकाले जाएं? देखिए ऋतु, 16 नवंबर को अमित शाह आ रहे हैं निश्चित तौर पर, माफ कीजिएगा, 16 अक्टूबर को अमित शाह आ रहे हैं और 16 अक्टूबर को अमित शाह के आने के मायने बहुत ज्यादा है। देखिए, 16 अक्टूबर को नामांकन है, किसका नामांकन है? अमित शाह का नामांकन है। और अमित शाह का अगर नामांकन है तो निश्चित तौर पर रमन सिंह अगर वहां पर कैंडिडेट है, रमन सिंह के साथ साथ अगर सही मायने में देखें तो 4 विधानसभा सीटें, जिसमें 3 पे कांग्रेस का कब्जा, 1 केवल रमन सिंह का कब्जा एक ही विधानसभा में। अगर लोकसभा वार बात करें वहां पर तो सीधे तौर पर लोकसभा में 8 सीटें हैं, 8 में 7 सीटें कांग्रेस के पास है। मतलब समझ सकते हैं कि राजनांदगांव कितना महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल सिनारियों से भारतीय जनता पार्टी के लिए। हिंदुत्व का मुद्दा भी, कवर्धा में जिस प्रकार से झंडा विवाद हुआ था, दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो बेमित्रा भी लगा हुआ है वहां पर, साझा में जिस तरह से विवाद हुआ था। तो देखिए, अमित शाह एक हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं, ऐसे में उनका आना वहां, वो भी रमन सिंह के नामांकन में आना अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है। रमन सिंह का कद फिलहाल पार्टी में क्या है, निश्चित तौर पर ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। बिल्कुल आदित्य जी, इस पूरे दौरे के पीछे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 16 अक्टूबर को पहुंचेंगे अमित शाह राजनांदगांव और रमन सिंह का नामांकन दाखिल कराएंगे। तो स्टेट स्कूल ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और सूची आने के बाद यह पहली बार होगा जब अमित शाह राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचेंगे। अब बात